अब हम अपनी गेम को इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे कि जब हमारी क्यू बॉल हिट होगी तो ये आगे की साइड में मूव करेगी, ठीक है, रोटेट भी करेगी ऑब्वियसली, जैसे रियल वर्ल्ड में एक बॉल को जब हिट लगती है तो उसके बाद वो रोटेट भी करती है और फिजिक्स उस पर अप्लाई होती है, और वो रोटेट करने के बाद आगे इन बॉल्स को जाके हिट भी करेगी, ठीक है। अब हम इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिक हमारी गेम के जो है बेसिक मैकेनिक्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारी बॉल जो है ये एक प्रीफैब में है, ठीक है, ऑल बॉल्स के प्रीफैब में, और अगर हम इस प्रीफैब को लोकेट करें तो हमारे पास यहाँ पर सॉरी प्रीफैब्स, ठीक है, प्रीफैब्स के अंदर देखें यहाँ पर हमारे पास प्रीफैब मौजूद हैं, इसके बॉल्स, ठीक है, बाहर टेबल्स हैं और अंदर बॉल्स, और यहाँ पर देखें हमारे पास ऑल बॉल्स, ये जो प्रीफैब है ये सब बॉल्स को कंटेन करता है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर तमाम बॉल्स हैं जो हमारी ये शोर में, ये हमारा ऑल बॉल्स आ, और इसके अंदर देखें इसके अंदर भी हमारे पास कुछ प्रीफैब्स हैं, देखें वाइट बॉल जो है ये एक प्रीफैब है, और इसके साथ जो ये येलो बॉल, ब्लू बॉल, रेड बॉल और ये सारी बॉल्स हैं ये वेरिएंट हैं, वेरिएंट किसकी हैं, ये भी किसी प्रीफैब की ही वेरिएंट है, ठीक है, ये किसी प्रीफैब की वेरिएंट है। और अगर हम इसका प्रीफैब देखें तो हमारे पास इसका प्रीफैब है देखें मेन बॉल, ठीक है, ये इनका मेन प्रीफैब है, जो बेसिकली क्या है आप आइकन से देख सकते हैं, जो इस मेन बॉल का आइकन है वो चेंज है, लेकिन जो हमारे पास जो दूसरे प्रीफैब्स हैं, ठीक है, जो इसी प्रीफैब के इस मेन प्रीफैब के वेरिएंट हैं, यानी कि इसी की ही रिफ्लेक्शंस हैं, इसी की ही कॉपीज हैं, उन सब का देखें आइकन जो है वो एक साइड जो है बॉक्स की वो लाइंड है, ठीक है, वो चेंज है। तो ये हमारे पास होते हैं प्रीफैब्स और प्रीफैब्स वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है, वेरिएंट उसी की कॉपीज होती हैं, अगर मैं मेन प्रीफैब में चेंजिंग करूँगा तो वो सारी कॉपीज पर वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने करके भी दिखाऊं तो देखें यहाँ पर हमारे पास पहले से एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट है और यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर कोलाइडर कंपोनेंट है। अभी हम स्क्रैच से इसको स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना, तो अभी के लिए मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, कोलाइडर को भी रिमूव कर रहा हूँ। वैसे कोलाइडर की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफॉल्ट ही एडिड होता है, जब हम एक स्फीयर ऐड करते हैं, राइट क्लिक स्फीयर, अगर मैं स्फीयर देखें यहाँ पर मैंने स्फीयर न्यू ऐड किया और इसके ऊपर स्फीयर कोलाइडर है। इसी तरह से अगर मैं एक क्यूब ऐड करूँ या फिर एक कैप्सूल ऐड करूँ तो उन सब के ऊपर बॉक्स कोलाइडर, जैसे देखें फॉर एग्जांपल सिलेंडर अगर ऐड करें तो देखें इस पर भी कैप्सूल कोलाइडर है, ठीक है। तो इस तरह से हर किसी मेश के ऊपर हमारे पास उसका कोलाइडर मौजूद होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास इस बॉल के ऊपर भी कोलाइडर है, और अगर मैं मेन बॉल की बात करूँ तो देखें मेन बॉल के ऊपर भी कोलाइडर मौजूद है। अगर आपको कोलाइडर शो नहीं होता तो आप यहाँ से सिंपल ऐड कर सकते हैं स्फीयर कोलाइडर, ठीक है, स्फीयर कोलाइडर आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। इसमें देखें जो मेन प्रॉपर्टी इसकी वो है हमारे पास ये रेडियस की, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो देखें यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमारे गिज़्मोज़ नहीं ऑन, गिज़्मोज़ हमारे ऑफ हैं, तो जब हम गिज़्मोज़ ऑन करेंगे तो देखें हमारे पास गिज़्मोज़ आ गए, और जो हमारे पास एक्चुअली ये भी यहाँ पर नहीं शो होगा, इसे हमें मेन प्रीफैब को ओपन करना होगा। देखें ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास स्फीयर का रेडियंस जो है वो चेंज हो, ये क्या करता है बेसिकली स्फीयर कोलाइडर इस बाउंड्री से जब भी कोई कोलाइडर दूसरा कोलाइडर आके टच होगा या इसको हिट करेगा तो ये जो बाउंड्रीज हैं ये डिटेक्ट कर लेंगी कि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच हुआ या टच हुआ, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर फिजिक्स अप्लाई हो जाएगी जो कोलाइडर करता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए इसका रेडियस अभी के लिए 0.1 है तो हम इसको 0.1 ही रहने देंगे, और देखिए मैं इस मेन प्रीफैब से बाहर चला जाऊँ, और अगर मैं इसकी वेरिएंट कॉपीज पर देखूँ तो देखें सबके ऊपर से रिजिड बॉडी कंपोनेंट चला गया, ठीक है, पहले सबके ऊपर था, सबके ऊपर था तभी हमारे पास ये जो हमारी बॉल्स थी ये नीचे की साइड पर गिर रही थी, लेकिन अभी ये नहीं गिर रही, अभी ये नहीं गिरेंगी क्योंकि इनके ऊपर रिजिड बॉडी कंपोनेंट ही नहीं है, सिर्फ कोलाइडर है, ठीक है। तो कोलाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इन पर ग्रेविटी का, रिजिड बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, रिजिड बॉडी कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली देखें वाइट बॉल भी है, वाइट बॉल पे भी रिजिड बॉडी कंपोनेंट अटैच्ड है, तो हम अटैच कर लेते अपनी बाकी बॉल्स के ऊपर, देखें मेन बॉल और यहाँ पर रिजिड बॉडी, आपने रिजिड बॉडी 2D नहीं करना, आपने रिजिड बॉडी सिंपल अप्लाई करना है, और ये हमारे पास रिजिड बॉडी अप्लाई होती है, और इसके ऊपर देखें सबसे पहले हमारे पास मैस है, ठीक है, मैस
अपनी बॉल का यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं हमें कितना मैच देना है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ड्रैग। ड्रैग क्या है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिस पर रिजिड बॉडी कंपोनेंट अटैच है जब वो मूव करेगा तो हमारे पास ड्रैग की वैल्यू जो है इसको इस पर अफेक्ट करेगी। ठीक है, अभी के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर एक सेपरेट ट्यूटोरियल लगते हैं क्योंकि अभी इन सब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना काफ़ी लेंथी हो जाएगा ट्यूटोरियल हमारा। अभी हमारा एम कुछ और है, हम सिंपली क्या करते हैं इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं कंपोनेंट। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस हम बाद में करेंगे। ओके, एंगुलर ड्रैग भी हमारे पास दिया गया, यहाँ पर एंगुलर ड्रैग भी। अभी सारी प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट है तो हम डिफॉल्ट ही रहेंगे। ओके, फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं प्ले करता हूँ अपनी गेम को तो ये हमारे पास बॉल जो है नीचे की साइड पर गिर जाती हैं। ओके, तो ये देखें यहाँ पर बॉल जो है वो नीचे की साइड पर गिर गई हैं और अभी मैं गेम व्यू में हूँ। हाँ, गेम व्यू में हूँ। अगर मैं सीन व्यू में शिफ्ट हूँ और उसके साथ आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास बॉल्स हैं। अगर मैं F प्रेस करूँ इन पर जूम इन करूँ तो ये देखें हमारे पास कंटिन्यूसली गिर रही हैं, वो एक्चुअली काफ़ी तेज़ी में गिर रहे हैं, तो देखें हमें नज़र भी नहीं आ रही वो, देखें। ठीक है, ये इस तरह से। तो अभी इनका मतलब है कि इस पर फिजिक्स एक्ट कर रही है, ठीक है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं, देखें हमारे पास गिज़मोज़ भी शो हो गए, ठीक है, इनके। तो दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी ये नीचे गिर रहे हैं। नीचे क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस टेबल के ऊपर कोई कोलाइडर ऐड नहीं है। ठीक है, देखें इसके ऊपर कोई कोलाइडर ऐड नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर भी एक कोलाइडर ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम कोई बॉक्स कोलाइडर या मैश बॉक्स कोलाइडर, कैप्सूल कोलाइडर या सिलेंड्रिकल कोलाइडर नहीं ऐड करेंगे। इसके ऊपर सिंपल हम ऐड कोलाइडर और इसके ऊपर मैश कोलाइडर ऐड करेंगे। मैश कोलाइडर क्या करेगा, सेम जो इसका मैश होगा उसी के ऊपर एक कोलाइडर अटैच कर देगा। अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो देखें यहाँ से हम मैश रेंडरर को मैं हाइड करता हूँ तो ये देखें जो इसका मैश है सेम उसी सीक्वेंस में इसके ऊपर एक कोलाइडर ऐड होगा। ठीक है, जैसे कि आप ये वायर से देख सकते हैं, जैसे ये वायर थी हमारे इन बॉल्स के ऊपर, देखें बॉल्स के ऊपर स्फीयर शेप की वायर्स हैं, इसी तरह से हमारे पास टेबल के ऊपर, टेबल क्लॉक के ऊपर जो हमारा कंपोनेंट गेम ऑब्जेक्ट है इसका नहीं है, इस तरह से वायर अटैच होगी। इसका मतलब है कि इस पर कोलाइडर अटैच हो गया। अब अगर मैं अपनी गेम प्ले करूँ तो ये नीचे की साइड पर नहीं गिरेंगी बल्कि ये टेबल के ऊपर प्लेस हो जाएंगी। ओके, तो ये देखें अगर मैं सीन व्यू में जाऊँ, गेम हमारी प्ले हो रही है ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया। अब देखें यहाँ पर आप एक मज़ेदार चीज़ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऊपर की साइड पर मूव करूँ तो देखें ये कंटिन्यूसली नीचे की साइड पे ही गिर रहा है। ओके, इसको मूव भी मैं करूँगा तो इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ये नीचे की साइड पर गिर रहा है। ओके, अभी देखें ये ग्लिच होकर काफ़ी नीचे चला गया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हमारे पास ग्लिच किस तरह से क्यों हुआ है, टेबल के थ्रू वो निकल गया। तो अभी के लिए हमारे पास फोर्स ऐड करने के लिए इतना काफ़ी है, हमने रिजिड बॉडी ऐड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फोर्स ऐड करेंगे और साथ ही अपने इन कोलाइडर्स को भी उस फोर्स से अफेक्ट करेंगे।